वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 8। गिवन बिलो आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड, यहाँ पर लग रहा है भूल गए लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यानी 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की इन्होंने एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का अलग अलग, दोनों का अलग अलग पी एंड एल अकाउंट जो है वो दे रखा है। ठीक है, ये पूरा दोनों का पी एंड एल अकाउंट है। आगे देखो क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन। एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड, यानी कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को क्या करे, गुड्स सोल्ड की। तो बताओ ये आपस में कर रहे हैं ना, ग्रुप के अंदर की ट्रांजेक्शन से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, जो कि क्या होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी चाहिए जब भी अपन क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो इंटर कंपनी की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमें एलिमिनेट करनी है। तो उनमें से एक है ये कि उन्होंने गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, 120 लाख एट कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि ये जो 120 है वो 120 रुपीज़ की सेल प्राइस है, और 20 क्या है उसमें प्रॉफिट, वेरी गुड, और 100 क्या हो गया आपका कॉस्ट, तो 120 क्या हुई आपकी सेल प्राइस। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स सच गुड्स, इसी में से, इन्हीं गुड्स में से क्या एस लिमिटेड के पास जो इन्वेंट्री बची है उसमें कितनी बची है, 24 लाख की। ये 24 लाख कितने रुपए पे होगी, 120 पे, क्योंकि सेल प्राइस कितना था, 120। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को क्या करे, सेल करी। तो एक तो पहली ये हो गई सेल, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। दूसरी, एस लिमिटेड के पास उन गुड्स में से जो है क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है कितना, 24 लाख। तो इसमें भी जो प्रॉफिट रखा होगा 24 लाख के अंदर, वो भी क्या होगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना होगा। क्यों, क्योंकि वो हमने कमाया ही नहीं है। क्यों नहीं कमाया, क्योंकि अभी ये हमने थर्ड पार्टी को नहीं बेचा। एच लिमिटेड से एस लिमिटेड पर तो ये गुड्स आ गए, लेकिन एस लिमिटेड से थर्ड पार्टी तक अभी तक नहीं गए ये 24 लाख के गुड्स। तो ये 24 लाख गुड्स में क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी हमने कमाया नहीं। क्यों नहीं कमाया, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी को नहीं बेचा। ठीक है, अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करते हैं। तो दो हो गई अपनी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। थर्ड है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड, एस लिमिटेड के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किसके, एस लिमिटेड के, इंक्लूड्स 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड। इसमें क्या है, 5 लाख इंक्लूड है जो कि हमने दिए किसको है, एच लिमिटेड को, यानी कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को क्या दिए है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5 लाख। फिर से क्या हो गई है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपस में ही कर रहे हैं तो आपस में ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, एलिमिनेट होनी चाहिए। तो तीसरी हो गई अपनी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ये गिनते जाना, ठीक है, आगे काम आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कंसल्टेंसी फीस इंक्लूड है 5 लाख की गई, ये भी क्या हो गई, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। फोर्थ देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के, ये रहा अपना एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ है, ये रहे, उसमें क्या है, इंक्लूड्स 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड एस कमीशन। इसमें 10 लाख इंक्लूड हैं जो कि एस लिमिटेड को दिए, किसने, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को दिए। इससे पहले क्या हुआ था, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को दिए थे। तो चाहे एच ने एस को दिए या एस ने एच को दिए, दोनों ही क्या हो जाते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अपन को क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या लिखा है। एच लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एच लिमिटेड ने कितना होल्ड किया है? एच लिमिटेड ने 80%, 51% से ज़्यादा है, तभी तो ये एच लिमिटेड है, मतलब होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है, ऑफ 1000 lakhs इन एच लिमिटेड प्रायर टू 2015-16। ओके, एच लिमिटेड टू क्रेडिट टू इट्स P&L अकाउंट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाई एच लिमिटेड। मतलब एच लिमिटेड ने डिक्लेयर किया, उसके बाद पे कर दिया क्या डिविडेंड 15-16 का, जो कि एच लिमिटेड के P&L अकाउंट में है। तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 5 चीज़ें हो गई टोटल। हमें क्या करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो बनाते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपनी सॉल्यूशन बुक पर, लेकिन अपनी बुक को जो है बिल्कुल पास में रखना। चैप्टर है अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, उसका लिखो हेडिंग कंसोलिडेटेड। क्या बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। ठीक है, किसका बना रहे हैं, ऑफ एच लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरी एच लिमिटेड का, दोनों का क्या बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड एक साथ। फॉर द ईयर एंडेड कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 का। ठीक है, तो फटाफट से इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स नोट नंबर और रुपीस। ठीक है, रुपीस जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे रुपीस किस में, लैक्स में, तो अपन भी लैक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, किस में लिख दिया रुपीस अपन ने, लैक्स में। अब इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते हैं कंपनी अकाउंट्स में, उसी तरीके से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैसा ही बनाना है। तो कैसे बनाते हैं अपन, लिखते हैं, फर्स्ट सबसे पहले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम भी आती है, बट यहाँ पर नहीं है तो अपन उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट करके आ जाता था आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना प्रैक्टिस के लिए, फिर आ जाएंगे अपने जब अपना टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया तो अपन को क्या चाहिए, प्रॉफिट के लिए हमें इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू मिल गया, टोटल रेवेन्यू के बाद अपन लिखेंगे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब लिख देंगे। कौन कौन से होते हैं एक एक करके लिखते जाते हैं। पहला आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, या फिर बोल सकते हैं कंज्यूम्ड। ठीक है, एक्सपेंसेस में पहला ही आपका। नेक्स्ट, जितनी भी इन्वेंट्री में चेंज आई है, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, FG, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, वैसे जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसा वैसे बनता था ना हॉरिजॉन्टल में, ये तो वर्टिकल है कंपनी अकाउंट्स का, जब हॉरिजॉन्टल में अपन बनाते थे तो कैसे करते थे, देखो हम क्या करते थे, यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिख देते थे डेबिट में, और यहाँ पर आ जाती थी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, और यहाँ पर सेल्स वगैरह सारे जो इनकम्स होती थी यहाँ लिखते थे, और यहाँ लिखते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इन्वेंट्री क्या करा है, यहाँ पर दो बार ना लिख के हमने इन दोनों का जो है वो डिफरेंस लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री आई, चेंज कैसा भी हो सकता है, चेंज या तो डिक्रीज़ भी हो सकता है, चेंज का मतलब होता है या तो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है,
तो अगर इन्वेंट्री बढ़ी है आपकी, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है मतलब ये वाली क्लोजिंग ज़्यादा होगी। देखो ध्यान से, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं। तो अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि इन्वेंट्री में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस होगा तो जो क्लोजिंग होगा वो ज़्यादा होगा। क्लोजिंग कहाँ पर होता है आपका, क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, या मैं बोल दूँ कि एक्सपेंसेस आपके कम होंगे। तो जब भी यहाँ पर इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो, ये अपनी सहूलियत के लिए लिखना है, वैसे यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ। जब भी इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो तो क्या करना, प्लस करना, प्लस नहीं करना, प्लस तो प्रॉफिट्स में करना है, ठीक है, प्रॉफिट्स में। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट ज़्यादा का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब अपन ये कहेंगे कि प्रॉफिट में प्लस होगा। और इसको अगर मैं दूसरी तरीके से लिखूं और, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंस में क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर बोलो क्या होना चाहिए, माइनस। अगर अपन यहाँ लिखते तो यहाँ पर प्रॉफिट्स में प्लस करते, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, इतना समझा। ये हो गया आपका, दो चीज़ें लिख दी अपन ने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कंज्यूम, और सेकंड चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री। अब थर्ड लिखते हैं, थर्ड है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए मैंने, तो पूरा लिखो, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक लिख दिए। चौथा अपना फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट अपना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट अपना जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे, वो कौन से होंगे, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन्वेंट्री में, ठीक है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट आपका जितने भी होंगे वो लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएंगे इनमें से तो वो लास्ट में आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। इन सबसे क्या होगा, इन सबसे आएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस, इन सबसे आएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब सारे के सारे एक्सपेंस यहाँ पर आ गए, रेवेन्यू हम ऑलरेडी, टोटल रेवेन्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, अब क्या आएगा, प्रॉफिट यानी अपना पीबीटी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, अब तक तीन हो चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा अपना। उसके बाद इसमें से टैक्स के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, टैक्स एक्सपेंसेस, और ये हमारा आ जाएगा क्या आएगा बोलो, पीबीटी में से ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, पीएटी पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका, अब प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना जाएगा हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग, ये तो हो गया अपना पूरा, ये अपना पूरा हो गया, पीएटी अपना कैलकुलेट हो गया। उसके बाद अपन क्या हेडिंग डालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आप ये पूरा लिखना है, यहाँ पर स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको पूरा लिखना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये जब मैं हम करेंगे तब मैं आपको जूम करके इसे अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है, अब ये नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। तो चलो एक एक करके इनको लिखते हैं। तो पहला कौन सा अपना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हेडिंग डालो नोट्स
टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट. इसमें पहला आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी? सेल्स एंड अदर इनकम. तो आओ देखते हैं यहाँ पर कितनी है. सेल्स एंड अदर इनकम एस लिमिटेड की है 5000 और एस लिमिटेड की है 1000. कंसोलिडेटेड कर रहे हैं ना, तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का कंसोलिडेटेड कर रहे हैं, तो 5000 1000 दोनों को मिला देंगे. ठीक है, तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 5000 और 1000, ये आपका आ जाएगा कितना? 6000. लेकिन इसमें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, याद होगी. ये एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 120 लाख की जो है वो सेल करी थी, तो वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो आओ एलिमिनेट करते हैं. लेस इंटर कंपनी सेल कितनी थी? 120. आपकी 6000 में से 120 माइनस हुआ, ये कितना आया आपका? 5880. ठीक है, इसमें अदर इनकम भी होगी. कौन कौन सी? जो कंसल्टेंसी फीस दी थी वो भी तो उसकी इनकम हुई होगी, तो वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी? एलिमिनेट करनी पड़ेगी. तो लेस कंसल्टेंसी फीस किसको मिली थी? ये एच लिमिटेड को मिली थी, रिसीव्ड बाई एच लिमिटेड फ्रॉम एस लिमिटेड. देखो कंसल्टेंसी फीस ये रही, एस लिमिटेड ने 5 लाख जो है कंसल्टेंसी फीस किसको दी थी? एच लिमिटेड को. तो एच लिमिटेड की क्या होगी? ये इनकम होगी, तो उसके इनकम में से माइनस हो जाएगी कितनी? 5 लाख रुपये. और इसके साथ साथ एक और थी, दूसरी थी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को दी थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन, यानी कमीशन दी थी किसको? एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को क्या दी थी? कमीशन. तो ये भी क्या है? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन. तो इसको भी अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो लिखो कमीशन लेस करना है ना, क्या लेस करना है? कमीशन रिसीव्ड बाई एस लिमिटेड. एस लिमिटेड को मिली है ना, किसने दी है? एच ने. कितनी थी? 10 लाख रुपये. कहाँ से मिली है? फ्रॉम एच लिमिटेड से. कितनी? 10 लाख रुपये. तो ये भी हमारी माइनस हो जाएगी. और आंसर निकालो फटाफट, 5800 में से माइनस करो 5 माइनस 10, ये आ जाएगा आपका 5865. ठीक है, ये क्या आया अपना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैसे आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? तो एक बार फिर से देखो कैसे आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल्स और अदर इनकम किसकी? एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की, दोनों की मिला दी. कितनी थी? 5000 प्लस 1000, दोनों आई आपकी 6000. ठीक है, उसके बाद हमने इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो माइनस कर दी. पहले इंटर कंपनी जो थी वो सेल्स थी, कितनी? 120 लाख. ये तो पहले ही लिखा था एडजस्टमेंट में, ये हमने कर दिया, माइनस कर दिया. उसके बाद सेल लिंक इनकम भी तो करनी है, तो सेल तो हमने इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन थी सेल की वो तो हमने एलिमिनेट कर दी. अब इनकम भी तो एलिमिनेट करनी है, तो दो इनकम है, एक जो रिसीव बाई एच लिमिटेड, एक एच लिमिटेड को मिली है, और दूसरी रिसीव बाई एस लिमिटेड. तो चाहे एच लिमिटेड को मिले चाहे एस लिमिटेड को, एक दूसरे से मिली है ना,
तो ये क्या है, इंटर कंपनी, ये भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, इसको भी लेस करेंगे। कंसल्टेंसी फीस मिली थी 5 लाख और कमीशन मिली थी 10 लाख, तो ये भी क्या है, इनकम कैसी है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो तीनों चीज़ें को हमने लेस कर दिया। फाइनली जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन लेस करके, वो आया है अपना 5865। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो पहला नोट हो गया आपका, सेकंड कौन है, अपने पीएनएल अकाउंट निकालो, उसमें देखो, ये रहा, ये तो निकाल लिया आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया देखो, 5865। इसके लिए अपन ने नोट नंबर बनाया 1 और ये आ गया आपका 5865। नेक्स्ट अपन नोट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड और कंज्यूम्ड के लिए, नोट नंबर 2 लिखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड और आपका कंज्यूम। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखते हैं, वो सॉरी बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट जो उनका अलग अलग दे रखा है उसमें देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दे रखा है 800-200, तो ये उठा लेंगे। और एक और चीज़ देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम में एक और चीज़ ऐड होती है, अगर आपको पता हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनको प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी तो हम ऐड करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ आएंगे, कौन से, 200 और 100। तो चलो इसे फटाफट से, क्या क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्स और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हेडिंग डल गई कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और कंज्यूम, इसमें पहला आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है, कंसोलिडेटेड एस लिमिटेड का और आपका एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का देखो कितना दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 800 और एस का दे रखा है 200, तो 800 और 200, ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 1000। और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 200 और 100, यानी कि 300। तो नेक्स्ट लिखो, ये सेकंड में ही है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एच लिमिटेड के एस लिमिटेड के दोनों को मिला दो, एच के थे 200, ये अभी अपन ने देखे, और एस के थे 100, तो ये आते हैं आपके 300। तो इन दोनों का टोटल करो, 1000 और 300, ये आ जाएगा आपका 1300। कितना आया, 1300। अभी हमें बस इसमें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन लेस करनी है और हमारा जो है वो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लेस इंटर कंपनी परचेज, तो देखो सिंपल सी बात है, जब सेल हुई थी तब हमने इंटर कंपनी सेल माइनस करी थी, तो किसी ने बेचा था तो उसकी सेल में से माइनस करती, किसी ने मतलब यहाँ पर एच लिमिटेड ने बेचा था 120 का सामान एस लिमिटेड को, तो एच लिमिटेड के लिए क्या हो गई, वो सेल तो हमने माइनस कर दी, लेकिन एस लिमिटेड के लिए वो परचेज भी तो हुई, तो हमने यहाँ पर सेल में से लेस कर दिया। अब हमें यहाँ पर परचेज में से भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के लिए वो सेल्स है और किसी के लिए वो परचेज है, सेल माइनस करी थी तो परचेज भी तो माइनस करनी पड़ेगी। तो 120 लाख की हमने सेल्स ऑलरेडी माइनस कर दी है सेल्स में से, अब हमें परचेज में से कितने की परचेज, 120 लाख की परचेज माइनस करनी होगी इंटर कंपनी परचेज। ठीक है, क्योंकि वो एस लिमिटेड की क्या है, परचेज्ड है, और एस लिमिटेड के लिए क्या थी, सेल। तो 0 में से 0 गए, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, और ये आ गया आपका 1180। 1180 क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। बहुत ही इजी था, मटेरियल परचेज में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो हमने पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लिया, एच का एस का गिवन था, फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एच के एस के गिवन थे, दोनों ऐड कर दिए, लास्ट में हमने किसी की सेल तो किसी की परचेज,
तो हमने यहाँ पर सेल तो ऑलरेडी माइनस कर दी, यहाँ पर परचेज भी माइनस कर दी, ठीक है। तो परफेक्ट अपना आंसर जो आ गया 1180, ये क्या आया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कंज्यूम कहाँ का रेफर करना है हमें, टू, नोट नंबर टू, कितना आया 1180। अब नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड ये अपन को बनाना है। अच्छा ये सब जो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए लिखा, ये लिखना मत, ठीक है, काट दो। नेक्स्ट क्या है अपना, चेंजेस इन इन्वेंट्री, थर्ड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या दे रखा है, इंक्रीज। तो चेंज कैसा हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसा हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। यानी कि ये बताओ प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग में ज़्यादा, क्लोजिंग में ज़्यादा मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा, क्रेडिट साइड में ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए तो इसको हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंस में लेस होना चाहिए। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में लेस कर देंगे, कितनी है, एच लिमिटेड की है 1000 और इसकी है 200, यानी कि 1200। तो इंक्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एच लिमिटेड और आपका एस लिमिटेड, एच का है 1000 और इसका है 200, तो एच का एस का दोनों को मिला दिए कितना आ गया आपका 1200। इसमें भी क्या है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, कौन सी, वेरी गुड, किसी किसी को तो याद आ गई, अनरियलाइज प्रॉफिट होगा इसके अंदर, है ना, ये क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट रह गया था, क्योंकि कुछ स्टॉक जो है वो बिका नहीं था थर्ड पार्टी को, अगर वो थर्ड पार्टी को नहीं बिका तो हम उसका प्रॉफिट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ, कितने के थे, सिर्फ और सिर्फ 24 लाख के बिके नहीं थे, तो 24 लाख का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो अपन लेस कर देंगे, जो कि एएस लिमिटेड के पास है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ 24 लाख, जो कि किसके पास है, विद एएस लिमिटेड। तो उसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि 24 लाख की तो क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री है, तो 24 लाख की जो इन्वेंट्री है वो कितने प्राइस से होगी, 120 सेल्स हमें दे रखा था, और हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखो 100 रुपये की जो है वो क्या नाम है, कॉस्ट है, 100 रुपये की कॉस्ट है और सेल प्राइस कितनी है, 120, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 20, 100 रुपये की कॉस्ट, 20 रुपये का प्रॉफिट, सेल प्राइस आ गया आपका 120। अब यहाँ जो 24 दे रखा है वो 24 जो दे रखा है वो क्या है, सेल प्राइस, तो उसको डिवाइड कर देंगे सेल प्राइस से, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, तो इनटू कर देंगे 20 से, ठीक है। तो देखो 12 × 2 = 24, 2 × 5 = 10, 5 × 4 = 20, ये आ गया आपका 4 लाख। तो 24 लाख के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है आपका, 4 लाख का, समझा ना कैसे, 24 लाख जो है वो एस लिमिटेड के पास अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो थर्ड पार्टी के पास बिका नहीं है, और अगर वो थर्ड पार्टी के पास बिका नहीं है तो वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं अपन, अनरियलाइज प्रॉफिट। और अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकाला हमें, हमें तो क्या दे रखा था, 24 सेल वैल्यू दे रखी थी, तो सेल वैल्यू को अपन ने सेल प्राइस से डिवाइड किया, सेल प्राइस कितना था 120, और इसको इनटू कर दिया प्रॉफिट से 20 से, तो हमें पता चल गया कि 4 लाख क्या है, 4 लाख है अनरियलाइज प्रॉफिट। तो उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 9, 1, 1, ये आ गया आपका 1196। क्या है ये, चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना आया आपका 1196, कौन से नोट से आए, थर्ड। अब जैसे कि क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, प्लस, प्रॉफिट में अगर प्लस होना चाहिए तो उसको दूसरी तरीके से अगर लिखो तो एक्सपेंस में क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम इसे कहाँ लिख रहे हैं, प्रॉफिट में या एक्सपेंस में, प्रॉफिट में लिखते तो प्लस करते, पर हम कहाँ लिख रहे हैं इसे, एक्सपेंस में, तो अपन क्या करेंगे इसे, माइनस, ठीक है। अब ये बात
तो आपको समझ में आती होगी कि अगर कोई चीज़ प्रॉफिट में प्लस कर रहे हैं तो एक्सपेंस में क्या करते हैं माइनस, तो इफ़ेक्ट जो होता है वो सेम आता है, चाहे प्रॉफिट में ऐड करो या एक्सपेंस में लेस करो। ठीक है, तो तीन नोट हमारे बन चुके हैं। अब जो है ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होने वाली है, इससे थोड़ी ज़िंदगी कठिन थी। जिस जिसका नोट रह गया है कोई भी तो देख लो फटाफट, ठीक है। पूरे सारे नोट्स दिखा दिए मैंने तीनों के तीनों। तो आओ नोट नंबर 4 पर, अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। नोट नंबर 4 आपका एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इसे भी अपन को क्या करना है, कंसोलिडेटेड। तो इसका एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का, दोनों को क्या करना है, कंसोलिडेट। तो एम्प्लॉई को क्या मिल रहा है आओ देखते हैं। एम्प्लॉई को मिल रही है वेजेस एंड सैलरीज, कितनी, इसको 800 और इसको 150, 800 और 150 क्या मिल रहा है, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड को कितना मिल रहा है 800 और इसको कितना मिल रहा है 150, ये आ गया आपका टोटल 950। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, हो तो आप कर लेना साथ के साथ। 5 ये क्या है, 950 आपका आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। 4 आपका नोट नंबर 4 में निकाला है हमने कितना, 950। ठीक है, अब फिफ्थ कौन सा है आपका, फिफ्थ है फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट के लिए एक नोट बनाते हैं, नोट नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट के लिए क्या दे रखा है, कौन सी फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पर, ये रही इंटरेस्ट, कितनी है इसकी, 100 है और इसकी 50, यानी कि 100 और 50 150। तो फाइनेंस कॉस्ट एच लिमिटेड की, फाइनेंस कॉस्ट एस लिमिटेड की, दोनों को कर लेंगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। क्या है फाइनेंस कॉस्ट में, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, एच का है 100, एस का है 50, टोटल आ गया आपका 150। तो 150 अपन कहाँ लिख देंगे बोलो, फाइनेंस कॉस्ट में नोट नंबर 5 में 150। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज, तो इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आप देखते हैं पी एंड एल अकाउंट में हमें क्या दे रखा है, दिख रहा है कहीं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, हाँ डेप्रिसिएशन तो दिख रहा है, कितना 100 है आपका एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का है 50, 100 प्लस 50 आपका 150। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में हमें क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन एच लिमिटेड का और आपका एस लिमिटेड का, एच का दे रखा है 100 और एस का दे रखा है 50, तो ये आ जाएगा आपका 150, अगेन 150। और इसके लिए अपन को क्या करना है, नोट नंबर 6 रेफर करना है। लास्ट रह गया आपका अदर एक्सपेंसेस और उसके बाद मैंने बोला था ना ज़िंदगी आसान होने वाली है, कितनी जल्दी जल्दी बस एक का एच का एस का इकट्ठा किया आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात आ गई। तीन नोट तो आपने फटाफट फटाफट बना लिए, अब थोड़ा सा धैर्य से काम लेना। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में देखते हैं क्या क्या आता है। तो अदर एक्सपेंसेस में हमें एक तो दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरा दे रखा है हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या करेंगे, एच का उठाएंगे एस का उठाएंगे टोटल करेंगे। एच का कितना दे रखा है 200 और इसका दे रखा है 100। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच का दे रखा है 200 और इसका दे रखा है 100, कितना हो गया आपका
300। लेकिन साथ के साथ देखो पास में ही जो है मैंने लिख रखा था, देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 200, पास में ही लिख रखा है 500,000। ऐसे आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो, वहाँ पर कुछ स्टार स्टार लिख के हिंट दे देना अपने टाइम कि जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। देखो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर 500,000 की जो है वो एडजस्टमेंट है। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो है 500,000 की अपन लेस कर देंगे, तो 300 में से 5 गए, ये आपका आ गया 295। ये क्या आया 295 आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। देखो ये 500,000 हमने पहले भी माइनस किए थे, दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। ये यहाँ पे हमने इनकम माइनस में माइनस करे थे। अब किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किसी के लिए सेल्स है तो किसी के लिए परचेज, तो हमने सेल्स में से और परचेज में से दोनों में से माइनस किया था। उसी तरीके से किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए एक्सपेंस, यहाँ पर हमने इनकम में से माइनस कर दिया था। अब अपन काय में से माइनस करेंगे एक्सपेंस में से, यहाँ पर अपन ने इनकम में से माइनस करा था, अब काय में से करेंगे एक्सपेंस में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो हो गया। नेक्स्ट कौन सा है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 250, यानी कि 250। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एच के एस के दोनों को कर दो टोटल, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। एच के कितने हैं 200 और इसके कितने हैं 50, कितना आ जाता है आपका 250। लेकिन इसमें भी क्या 10 माइनस करने ना, अभी अभी मैंने आपको दिखाया किसी के लिए इनकम तो किसी के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस में से 5 और 10 माइनस कर दिया, अब हमें सॉरी इनकम में से हमने ऑलरेडी 5 और 10 माइनस कर दिया है, अब हमें एक्सपेंस में से भी 5 और 10 माइनस करना होगा। तो यहाँ भी हमें इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन है, इसे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को पूरा आप लिख भी सकते हो जैसे हमने पहले लिखा था, तो 10 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 250 में से 10 का ये आपका आ जाएगा 240। तो 295 ये आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और 240 जो है वो आ गया आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा आपका 5 × 9 = 13 और ये आ गया आपका 535। कितना आया 535, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सरल था, और हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस के साइड में 5 और 10 लिख दिया था, इसलिए बहुत ही आसान हो गया। ऐसे आप भी ट्रिक्स जो है अप्लाई करना। तो देखो अदर एक्सपेंसेस में 2 थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में दोनों को कर दिया, 200 + 100 300 आ गया, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 5 माइनस कर दिया तो आ जाएगा आपका 295। उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में एच का एस का दोनों का टोटल किया तो आया आपका 200 + 50 = 250 और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमने 10 माइनस कर दिया तो आ गया आपका 240। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दोनों को टोटल करेंगे तो आपके आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस कितना 535। कौन सा नोट बनाया है इसके लिए हमने, 7। कितना आया 535। तो रेवेन्यू ऑपरेशन हमें पहले ही लिख लिया है हमने 5865, तो टोटल आ गया आपका 5865 क्योंकि कोई भी अदर इनकम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए हैं, अब आपको क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ के यहाँ तक तो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे एक्सपेंसेस है, सारे का सारा को हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आता है अपना 1180, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है 1196, उसके बाद प्लस करना है कितना 950, नेक्स्ट आपका 150, नेक्स्ट अगेन 150, देन आपका लास्ट 535, तो ये आता है आपका 1769। तो कितना आता है टोटल एक्सपेंसेस 1769, ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था आपका 5865,
तो 5865 हमारा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1769 क्या है आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो इसको माइनस कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से 1769 माइनस करते हैं तो आता है आपका आंसर 4096। ये क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT 4096। इसमें अपन को क्या माइनस करने हैं टैक्स एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स एक्सपेंसेस के लिए आते हैं अगेन पीएनएल अकाउंट में, ये रहे आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 1200 और 200। एच लिमिटेड का 1200, इसका 200, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1400। कितना आएगा 1200 प्लस 200, कितना आएगा आपका 1400। तो अपन क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से PBT में से टैक्स एक्सपेंसेस 1400 माइनस करेंगे तो आएगा आपका PAT। तो 4096 में से क्या कर देंगे 1400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2696। क्या आया आपका 2696 आया PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें एक चीज़ देखना, टैक्स एक्सपेंसिस के लिए मैंने आपको यहीं पर प्लस कर दिया, इसके लिए चाहो तो आप एक और नोट बना सकते हो, यानी कि 7 नोट तक बन चुके थे, नोट नंबर 8 बना लेना प्रोविजन फॉर टैक्सेस का, और उसमें आपने 1200 एच लिमिट का और एस लिमिटेड का 200 दोनों को प्लस कर देना और आ जाएगा 1400। ठीक है, तो उसके लिए आप नोट बना लेना और यहाँ पर रेफर के लिए नोट नंबर 8 डाल देना। ठीक है, तो अब 2696 में से प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे 2696। वहाँ पर स्पेस नहीं था तो अपन यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा मकसद, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2696, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके लिए हमने क्या क्या मेहनत करी थी, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, फिर टोटल एक्सपेंसेस, उसके बाद आया था आपका PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद सारे के सारे टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करके जो कि थे 1200 प्लस 200 इस तरीके से थे, देख लेना एस लिमिटेड का, उसका मैंने नोट नहीं बनाया लेकिन आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो आया 2696। ठीक है ना, अब देखो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम क्या देते हैं, डिविडेंड भी तो देते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अपन क्या देंगे डिविडेंड चल जा मेरे भाई चल जा डिविडेंड पेड। ठीक है, अब डिविडेंड पेड अगेन एच लिमिटेड का सो ये हमारा आ जाएगा, तो एच लिमिटेड का और आपका एस लिमिटेड का कैसे पता चलेगा, डिविडेंड देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इन्होंने डिविडेंड माइनस किया कितना 1200 और 150 यानी कि 1200 और 150 कितना हो गया, ये आपका हो गया 1350। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमने क्या दिया, डिविडेंड दिया है एस लिमिटेड ने इतना तो ये आ गया 1350। लेकिन अभी इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, कौन सी याद होगी आपको जो यहाँ पर दे रखी थी, ये वाली 80% वाली। ठीक है, तो इसमें एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है डिविडेंड का जो कि एच लिमिटेड पर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो लेस करो, लेस शेयर ऑफ किसका शेयर, एच लिमिटेड का हिस्सा, लेस शेयर ऑफ एच लिमिटेड हिस्सा किसमें, एस लिमिटेड के डिविडेंड में, इन डिविडेंड ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा, कितना है ये, एक सेकेंड हमें पहले देखना पड़ेगा डिविडेंड बांटा कितना है, तो एस लिमिटेड ने डिविडेंड कितना बांटा है 150, तो एस लिमिटेड ने डिविडेंड कितना माना है 150 बांटा है, उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा कितना था, एच लिमिटेड का शेयर कितना था 80%, ये भी गिवन है, तो 150 का 80% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 15, ये 120 आ गया। ठीक है,
ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है तो इसे अपन को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो 1350 में से 120 माइनस करो, ये आएगा 0, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2 और ये आ गया 1230। तो इफेक्टिवली कितना आया, 1230 डिविडेंड पेड। इफेक्टिवली डिविडेंड पेड कितना हुआ है, 1230, क्योंकि ये वाला जो डिविडेंड है वो तो क्या है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, एक दूसरे को किसको मिला है, एस लिमिटेड का एच लिमिटेड को मिला है, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास, डिविडेंड पेड है, तो अपन का निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बिना देर करते हुए कैलसी हाथ में लो, 2696 हमारा जो है प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, और इफेक्टिव डिविडेंड कितना है, 1230, तो 1466 ये आ जाएगा आपका, कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना डिविडेंड बांटना है। तो लिख दो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है 1466। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, थोड़ा सा लेंदी था बट कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट इतना भी कठिन नहीं है बनाना। अगर आप इसके 2-3 क्वेश्चन करते हो लगातार सेम टाइप के क्वेश्चन, मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो अपना जो फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना। बाय बाय।